जनपद गाजीपुर में अपराध और आपराधिक कार्यों में लिप्त सफेदपोशों पर कार्रवाई लगातार जारी है। आज गाजीपुर की पुलिस ने नगर पंचायत बहादुरगंज गाजीपुर के चेयरमैन रियाज अंसारी की पूर्व चेयरमैन पत्नी निकहत परवीन को फर्जीवाड़े के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अब इनकी गिरफ्तारी की सूचना एसपी गाजीपुर ओमवीर सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि निकहत परवीन फर्जी कागजातों के आधार पर मदरसा मदरसतल मस्किन माधोगंज फर्जी तरीके से सहायक अध्यापक के पद पर नौकरी कर रही थी, जहां आज एफआईआर दर्ज किया गया है। इनकी पत्नी जो स्वयं भी पूर्व में नगर पंचायत की चेयरमैन रह चुकी हैं, इनके द्वारा फर्जी दस्तावेज लगाकर वहां के मदरसे में सहायक अध्यापिका की नौकरी प्राप्त की गई थी, जिसकी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा जांच की गई। उसी क्रम में जिला अल्पसंख्यक अधिकारी के द्वारा उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष की गिरफ्तारी करके उन्हें जेल भेजा जा रहा है और इसकी विस्तृत जांच चल रही है। और भी जो लोग इस पूरे नेटवर्क में इस फर्जीवाड़े में सम्मिलित होंगे उनके विरुद्ध भी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इनका सर कुछ आपराधिक रिकॉर्ड पहले का भी है किसी गैंग से संबंधित? जो वर्तमान में वहाँ का नगर पंचायत अध्यक्ष है उसके बारे में ये जानकारी प्राप्त हुई है कि वो जो IS-191 का गैंग लीडर मुख्तार अंसारी है उसके करीबी रहा है, और इस विषय पे भी संपूर्ण विवेचना की जा रही है और जांच भी की जा रही है। अगर जांच के आधार पर तदनुसार इसमें कार्रवाई